अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज मेरा वीडियो का टॉपिक है अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट के हवाले से कि अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट क्या है, इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और ये कितना अर्न करता है वीकली बेस पर, और कौन कौन से टूल्स इसे यूज़ करने होते हैं इन सर्विसेज को देने के लिए, और कितना यानी कि अर्सा लगता है एक वर्चुअल असिस्टेंट बनने में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले से आप सब लोगों से गुजारिश है, जो मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट क्या है। अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट जैसे नाम से ही जाहिर है कि अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट इज समवन दैट रिमोटली हेल्प यू सक्सेसफुली रन अ अमेज़ॉन बिजनेस। कि ऐसा है वर्चुअल असिस्टेंट जो कि रिमोटली एक्सेस से यानी कि अकाउंट की एक्सेस लेकर किसी भी अमेज़ॉन बिजनेस को सक्सेसफुली डील कर सकता है, उसमें यानी कि उसको चलाने में मदद फराहम करता है रिमोटली एक्सेस से। दी सर्विस प्रोवाइडेड बाय दी वर्चुअल असिस्टेंट आर क्यूट वास्ट एंड वेरी विद द स्किल्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल। ये हर स्किल्स पर डिपेंड करता है वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज उसकी यानी कि ज़्यादा भी हो सकती हैं और कम भी हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है हर वर्चुअल असिस्टेंट की स्किल पर। तो आज जान लीजिए आपने कि वर्चुअल असिस्टेंट क्या था। पहले भी आपको बता चुका हूँ वर्चुअल असिस्टेंट की यानी कि डेफिनेशन वगैरह मैंने पहले पिछली वीडियोस में बताया है आपको, लेकिन मैं आपको यानी कि डीपली बताऊंगा कि वर्चुअल असिस्टेंट होते क्या है। कि वर्चुअल असिस्टेंट वो होते हैं यानी कि वो जो एक रिमोटली एक्सेस से यानी कि किसी भी डिवाइस से किसी भी जगह पर वो किसी भी क्लाइंट का यानी कि अकाउंट को हैंडल कर सकते हैं अपनी एक्सेस से, चाहे क्लाइंट यूएसए का हो यूके का हो। वो अगर लोकेशन उसकी पाकिस्तान की है वर्चुअल असिस्टेंट की, तो वो वहाँ से डील कर रहा होता है। किसी भी कंट्री का वर्चुअल असिस्टेंट किसी भी कंट्री के बिजनेस ओनर का अकाउंट हैंडल कर सकता है अगर वो ई कॉमर्स पे बिजनेस कर रहा है। तो ये इजी हो जाता है क्योंकि वो लोग हायर नहीं कर सकते लोगों को, यानी कि उनके पास स्पेस नहीं होती बिजनेस ओनर के पास, तो वो वर्चुअल असिस्टेंट को हायर कर लेते हैं ताकि उनके यानी कि सपोर्ट मिल सके, उनको हेल्प मिल सके उनके अमेजोन के बिजनेस को रन करने के। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन अमेजोन VA के, एक VA की कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि वो अकाउंट को मैनेज करता है। कि एक यानी कि बिजनेस ओनर जो है जो ई कॉमर्स के यानी कि जिसका बिजनेस है, तो उसके बिजनेस को हैंडल करने के लिए एक VA की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं। तो चलिए चलते हैं VA की रिस्पॉन्सिबिलिटी जानते हैं। तो VA जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो है डिफरेंट किस्म की है, यानी कि इससे अबव भी हैं, लेकिन मैं आपको 10 बताऊंगा जो कि टॉप की हैं। सबसे पहले जो होती है वो अमेज़ॉन अकाउंट ओपनिंग की होती है, कि वो अमेज़ॉन का अकाउंट ओपन करके देता है किसी भी यानी कि पर्सन को जो न्यू भी है, जो ई कॉमर्स का बिजनेस करना चाहता है और कुछ भी जानता है अमेज़ॉन के हवाले से। तो अमेज़ॉन के हवाले से उसे सर्विसेज देना यानी कि उसके अकाउंट को ओपन कर के देना, चाहे वो यूएसए का हो यूके का हो पाकिस्तान का हो यूए का हो सऊदीया का हो चाइना जापान किसी भी मार्केट प्लेस का हो, जहाँ पर अमेज़ॉन सेलिंग करने की इजाज़त देता है वहाँ का अकाउंट ओपन करके दे सकता है। अगर उसके पास स्किल्स हैं अकाउंट ओपनिंग की तो अमेज़ॉन के अकाउंट ओपनिंग के लिए वो सर्विस दे सकता है VA। दूसरी जो उसकी होती है वो प्रोडक्ट हंटिंग की होती है, क्योंकि जब अकाउंट ओपनिंग हो जाती है तो उसके बाद VA की सर्विस आ जाती है प्रोडक्ट हंटिंग की। प्रोडक्ट हंटे में क्या होता है कि वो रिसर्च करता है अमेज़ॉन को कि कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो हाई डिमांड है और लो कंपटीशन में, जिनको यानी कि लॉन्च करने में कम बजट भी आए और जल्दी लॉन्च हो जाए और हाईली सेल्स हमें प्रोवाइड हो, यानी कि प्रॉफिट वाली प्रोडक्ट को उठा के वो यानी कि लिस्ट करना होता है किसी क्लाइंट के लिए, किसी ई कॉमर्स के ओनर के लिए, वो भी प्रोडक्ट हंटिंग होती है। सोर्सिंग तीसरे जो है सोर्सिंग या लॉजिस्टिक। सोर्सिंग होती है मतलब कि जब प्रोडक्ट हंट हो जाती है तो तीसरा काम होता है उस प्रोडक्ट को सोर्स करना कम प्राइस पर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। मतलब दो चीज़ें होती हैं कि एक कम प्राइस उस सप्लायर से ली जाए और हाई क्वालिटी भी ली जाए, ताकि अमेज़ॉन पर जब लिस्ट हो तो कस्टमर उसको इजीली बाय करें और उस चीज़ को यानी कि ख़रीदें और क्वालिटी की हो, यानी कि नेगेटिव फीडबैक में कमी आ सके। तो सोर्सिंग की भी सर्विसेज दे सकता है उस लॉजिस्टिक को मैनेज करने के लिए, मतलब कि वो जब सप्लायर के साथ नेगोशिएट करता है और तमाम चीज़ें करता है तो उसके हवाले से भी उससे नेगोशिएटिंग यानी कि लॉजिस्टिक को मैनेज करे, यानी कि उस प्रोडक्ट की इन्वेंट्री को उठाकर अमेज़न के वेयर हाउस तक ले जाने तक की सर्विस भी एक VA प्रोवाइड करता है।
चौथी जो होती है जब प्रोडक्ट को लॉन्च हो जाती है यानी कि उसके पास सोर्स हो जाती है, तो उसके बाद होती है लिस्टिंग क्रिएशन कि उसको प्रोडक्ट की लिस्टिंग क्रिएशन कैसे की जाए। तो वो भी सर्विस भी प्रोवाइड करता है कि उस प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे किया जाए। उसके लिए यूपीसी चाहिए, यूएएन, यानी कि वो हम अगली वीडियोज़ में पढ़ेंगे जब लिस्टिंग क्रिएशन का एक अलहदा का टॉपिक होगा, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह एक वीए एक लिस्ट को यानी कि बनाता है कि उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकता है। उसकी पिक्चर लगाई जाती है, उसकी बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन वगैरह तमाम चीज़ें वो पुट करता है। लिस्टिंग ऑफ यानी कि क्रिएशन के बाद जो फिफ्थ होती है उसके उसके लिए प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन होती है कि जो फिफ्थ जो देता है सर्विस, तो वो होती है प्रोडक्ट लिस्टिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। मतलब यह है कि जब प्रोडक्ट लिस्ट हो जाती है तो उसको ऑप्टिमाइज कैसे किया जाता है, उसके लिए कीवर्ड रिसर्च की जाती है। जिन कीवर्ड पे यानी कि हाई यानी कि वॉल्यूम सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होते हैं उन कीवर्ड को में पुट किया जाता है, टाइटल में पुट किया जाता है, बुलेट पॉइंट्स में होता है, डिस्क्रिप्शन में पुट किया जाता है। तो यानी कि जो लिस्टिंग है उसको ऑप्टिमाइज किया जाता है। उसकी पिक्चर यानी कि अच्छी सी पिक्चर हो, वाइट बैकग्राउंड की जो अमेजोन खुद यानी कि गाइडलाइन के मुताबिक होती है अमेजोन की, वो पे पिक्चर बनाई जाती है। वो डिफरेंट खुद भी बना सकता है या फोटोग्राफर से भी बना कर लिस्ट की जाती है। तो ये चीज़ें करने के बाद आगे आ जाता है उनकी अमेजोन पे पीपीसी जब चलाई जाती है, मतलब कैंपेन चलाई जाती है। तो सिक्स होता है प्रोडक्ट में यानी कि वो भी पीपीसी की भी सर्विस दे सकता है अमेजोन पे, मतलब कि जो प्रोडक्ट लिस्ट होगी उसकी कंपेन चलाई जाए। जिस तरह हम किसी भी फेसबुक पर या किसी भी चीज़ पर अपने प्रोडक्ट को यानी कि शो करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि उस पर पेमेंट हम खर्च करते हैं, उसके बाद ही हम उसको रैंक करते हैं। मतलब कि किसी को शो करना, अगर हम न्यूली लॉन्च करते हैं किसी प्रोडक्ट को, तो हम लोगों को शो करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट भी प्रॉपर शो हो और हम भी बताएं कि हमारे प्रोडक्ट भी हम बेचने के लिए तैयार हैं। तो जब पीपीसी आप चला लेते हैं तो उसके बाद आ जाते हैं रैंकिंग ऑन अमेजोन, यानी कि डिफरेंट जो मेथड होते हैं रैंकिंग के लिए अमेजोन पर, यानी कि पीपीसी भी आप पीपीसी चलाकर भी आप फर्स्ट पेज पर आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद डिफरेंट रैंकिंग होते हैं, मतलब डिस्काउंट देकर उस प्रोडक्ट पर यानी 50% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, जिस तरह आप लोग देखते हैं लोकली आप जाते हैं किसी भी शॉप पर तो वहाँ पर डिस्काउंट होते हैं, कभी 15% होता है, कभी 10% यानी 20%, 50% भी होता है कभी कभी। तो इसी तरह डिस्काउंट देकर या कोई भी कूपन्स या डील्स वगैरह देकर वो जहाँ की रैंकिंग की जाती है उन पर। तो एक ही जब आपकी प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पर आ जाती है तो तब जाके आपकी यानी कि सेल्स बढ़ना शुरू हो जाती है। वैसे साथ साथ पीपीसी के जरिए भी आप सेल ले रहे होते हैं, लेकिन जब आपके यानी कि हो जाती है फर्स्ट पेज पर प्रोडक्ट आ जाती है तब आपकी रैंकिंग हाई हो जाती है और फर्स्ट पेज पर शो हो रही है, और जो भी कीवर्ड सर्च करता है क्लाइंट आपके प्रोडक्ट के रेलेवेंट जो आपकी लिस्टिंग में मौजूद है, तो वो आपके प्रोडक्ट को टॉप पे शो करता है अमेजोन जब रैंक हो चुके थे। तो ज़्यादातर तो बाइंग फर्स्ट पेज से ही स्टार्ट होती है, लेकिन क्योंकि जो भी कस्टमर बाय करता है तो वो फर्स्ट पेज पर जो प्रोडक्ट नज़र आ रही होती है उन्हीं में से बाय करके चला जाता है। तो आठवें जो उसकी सर्विस में होती है वो कंपिटेटर एनालिसिस, मतलब कि जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं वो आपने एक रिसर्च किया है अमेजोन पे तो तभी जाकर आप बेच रहे हैं। लोकली अगर आप बेचेंगे तो आपको यानी कि नुकसान जनरल खर्च से ज़्यादा होते हैं, अगर अमेजोन पे आप प्रॉपर रिसर्च करते हैं तो तभी जाकर आप सेल करें तो आपको बेनिफिट भी ज़्यादा होंगे, आप अर्निंग भी ज़्यादा कर सकते हैं। कंपिटेटर एनालिसिस क्या होता है कि आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसी का एक कंपिटेटर होगा जो ऑलरेडी वही प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है। उस प्रोडक्ट को यानी कि एनालिसिस करने के लिए हम उस कंपटीटर का यानी कि उसकी प्रोडक्ट को हम एनालिसिस करते हैं कि वो मंथली सेल कितनी ले रहा है। अगर हम उसकी प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो हम भी उस यानी उस जितना हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो उसके एनालिसिस किया जाता है कंपटीटर का, उसकी लिस्टिंग को चेक किया जाता है, उसके प्रोडक्ट के रिव्यूज़ चेक किए जाते हैं, कस्टमर के रिव्यूज़ क्या हैं और उसके यानी कि कीवर्ड्स क्या यूज़ कर रहा है और क्या सेल्स है मंथली उसकी और सर्च वॉल्यूम क्या है, ये तमाम चीज़ें चेक की जाती है कंपिटेटर एनालिसिस। हम 3 to 4 यानी कि प्रोडक्ट यानी कि जो कंपिटेटर होते हैं सेलर होते हैं जो ऑलरेडी वही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उनका हम एनालिसिस करते हैं, उसके बाद ही हम फाइनलाइज करते हैं उस प्रोडक्ट को कि ये प्रोडक्ट हम बेच सकते हैं, अगर हमारे यानी कि बेनिफिट्स हो सकते हैं अगर वो प्रोडक्ट अच्छी है। नाइन्थ जो है था वो कस्टमर सर्विस की होती है कि जो भी कस्टमर की क्यूरीज आती हैं लाइक क्वेश्चन आते हैं, जब कस्टमर कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं तो उसको अगर कोई क्वेश्चन आता है कि प्रोडक्ट ख़राब निकली है या कोई भी चीज़ है तो उसको रिफंड करने की भी जिम्मेवारी एक कस्टमर सर्विस देता है कि उसको कोई भी क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन का आंसर भी वही कस्टमर सर्विस देता है, और ईमेल जो आती है उस ईमेल के भी जो चीज़ें हैं वो भी एक कस्टमर सर्विस से प्रोवाइड करता है, वो भी एक वीए की सर्विस है। अगर वीए वो स्किल सीख लेता है कस्टमर सर्विस की तो वो भी प्रोवाइड कर सकता है।
जो है वो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जो है कि इन्वेंट्री क्या होते हैं कि जो जो आप सोर्स करते हैं चीज़ को और अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचाते हैं, जैसे आप प्रोडक्ट को सोर्स करते हैं जो आपने रिसर्च की है, चाइना से की है, जापान से की है, इंडिया से की है, या किसी भी मुल्क से आपने वो प्रोडक्ट सोर्स की है और अमेजोन के वेयर हाउस में पहुँचाई है, तो उसकी जो इन्वेंट्री है उसको मैनेज करना। मतलब कि अगर वो इन्वेंट्री ख़त्म होने वाली है जाए, या FBA कर रहे हैं, FBM जो FBA वो होता है जब अमेज़ॉन खुद आपकी यानी कि ऑर्डर वगैरह तमाम इन्वेंट्री वगैरह डील कर रहता है, FBM कर रहता है, तो FBM में आपको सेलर खुद मैनेज कर रहा होता है चीज़ें, यानी कि इन्वेंट्री को मैनेज कर रहा होता है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में होता है कि आपको खुद डील करना होता है। ये भी वी की एक सर्विस भी है, क्योंकि वी अगर वी सर्विस सीख रहे थे तो इससे भी अर्निंग कर सकते हैं। मतलब कि अगर इन्वेंट्री मैनेजमेंट वो होते हैं जिनके आपके पास बहुत से यानी प्रोडक्ट्स एक ही जगह पर मौजूद हैं, आप उसको सेल कर रहे हैं, अगर वो इन्वेंट्री ख़त्म होने वाली है तो आपका काम क्या होगा कि वो आप उस इन्वेंट्री को दोबारा ऑर्डर करेंगे जहाँ से आपने पहले सोर्स की थी। तो ये आपका काम होता है कि इन्वेंट्री को रोजाना के बेस पर जो देखना कि आज कितने यूनिट सेल हुए हैं, कल कितने होंगे, उसके एस्टिमेट लगाकर एक मंथ का आप बता रहे हैं कि अगर डेली पर हमारे 10 सेल आ रही है, हमारे 100 यूनिट है, तो हमारे 10 दिन में हमारे 100 यूनिट ख़त्म हो जाएंगे। तो इससे आप एस्टिमेट लगा लेते हैं कि अगर हमारे 500 यूनिट्स हैं तो हमारे यानी कि 50 डेज में ख़त्म हो जाएंगे, तो 30 डेज के एंड में 30 दिन के बाद आप उस इन्वेंट्री को ऑर्डर कर लें, 20 दिन में आपकी इन्वेंट्री आपके वेयर हाउस में पहुँच जाएगी, ताकि उस इन्वेंट्री के ख़त्म होने से पहले आपकी दूसरी इन्वेंट्री पहुँच चुकी हो, जिससे अगर वो इन्वेंट्री ख़त्म हो जाती है तो उसके ये होता है नुकसान होता है कि आपका सेलर रैंक जो होता है गिर जाता है, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट लो रैंकिंग में आ जाती है और ज़्यादा सेल्स कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए भी एक वी की सर्विस प्रोवाइड की जाती है। जो तमाम सर्विसेज आपको बताई हैं, ये एक वी खुद तमाम भी सीख सकता है, अगर वो अगर एक भी सीखना चाहे तो एक एक भी सीख सकते हैं। मतलब कि अगर वो प्रोडक्ट हंटिंग में एक्सपर्ट बनना चाहता है तो एक प्रोडक्ट हंटिंग की अलहदा से सर्विस दे सकता है वो, अगर वो अकाउंट ओपनिंग में एक्सपर्ट बनना चाहता है तो अकाउंट ओपनिंग की भी अलहदा दे सकता है, अगर सोर्सिंग और लॉजिस्टिक की अलहदा देना चाहता है तो वो उसमें यानी कि डील करे, उसको यानी कि सीखे समझे, अगर वो देना चाहता है तो वो अलहदा से वो सर्विस दे सकते हैं किसी भी क्लाइंट को, क्योंकि बहुत से क्लाइंट होते हैं जिनके पास अकाउंट ओपन भी होता है, उनके पास प्रोडक्ट भी होती है, लेकिन उसे सप्लायर नहीं मिल जो होता है जो उसे यानी कि अच्छी कीमत पर प्रोडक्ट दे और उसकी हाई क्वालिटी भी हो। और अगर किसी भी क्लाइंट के यानी या बिजनेस ओनर के पास प्रोडक्ट भी होती है, अकाउंट भी ओपन होता है, उसके पास सोर्स भी हुई होती है, उसके वेयर हाउस भी होती है, लेकिन उसको लिस्टिंग क्रिएशन नहीं आती होती, तो ये चौथी स्किल भी अगर आपके पास है, अगर तीन पहली वाली नहीं है और चौथी स्किल आपके पास है तो आप चौथी स्किल भी दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी इनमें से स्किल आप सीख लेंगे ना तो आप वो क्लाइंट को दे सकते हैं। वो कैसे देनी है वो अगले हम लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि कैसे फ्रीलांसिंग पे जाकर आप अपनी सर्विसेज देंगे। फेसबुक से आप क्लाइंट ढूंढ सकते हैं, फ्रीलांसिंग वेबसाइट से ढूंढ सकते हैं, लाइक फाइवर हो गया, लिंक्डइन हो गया, अपवर्क हो गया, ये तमाम freelancer.com हो गया, ये तमाम चीज़ें हम आगे जाके हम पढ़ेंगे कि कैसे आप सर्विसेज देंगे। फर्स्ट आपका जो मकसद होना चाहिए वो स्किल को सीखना होना चाहिए, ठीक है। एक स्किल में आप जब एक्सपर्ट होंगे तो आगे जाकर आप वो सर्विसेज भी दे सकते हैं ईजिली। वो सर्विसेज देना आप इसलिए इजी हो जाएगा क्योंकि आपके पास नॉलेज होगा, जिसके पास नॉलेज होता है तो क्लाइंट ज़्यादातर उसी की तरफ तवज्जो देते हैं, ना कि जो उसकी तरफ जिसके पास नॉलेज ना हो, क्योंकि अगर क्लाइंट आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो इस सर्विस के मुताबिक ही पूछेगा जो सर्विस आपने प्रोवाइड की होगी, यानी कि जो लिस्ट की होगी फ्रीलांसर वेबसाइट पर। इसके अलावा भी बहुत सी सर्विस हैं वीए की, लाइक हो गया कीवर्ड रिसर्च, हो गया ऑर्डर मैनेजमेंट, हो गया यानी कि क्यूरीज वगैरह यानी कि सस्पेंशन वगैरह की तमाम चीज़ें भी हैंडल करना होती है, वो भी हो गया, और ये भी छोटी छोटी सर्विसेज होती हैं जो कि एक वीए को भी हैंडल करनी होती है। तो आप पे वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी सर्विस सीखना चाहते हैं। हम तमाम सर्विसेज को यानी कि मेरी जो अगली आने वाली वीडियोज होंगी जो स्टेप बाय स्टेप आएंगी, हर सर्विस को हम अकाउंट ओपनिंग से लेकर यानी कि लॉन्चिंग एंड ट्रैकिंग तक लेकर जाएंगे, हम पूरे कोर्स को लेकर जाएंगे, तो आपको जो भी चीज़ पसंद आए यानी कि जो भी चीज़ इजी लगे तो वो आप स्किल सीख सकते हैं और उसके एक्सपर्ट बन सकते हैं। जब आप एक स्किल के एक्सपर्ट बन जाएंगे तो लोग आपके पास ज़्यादातर यानी कि ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे, यानी कि लोग ज़्यादातर आप पर रिलाई करेंगे क्योंकि आप उस चीज़ के एक्सपर्ट होंगे, तो लोग उसी के पास जाते हैं जिसके पास नॉलेज होता है और उसके पास यानी कि प्रैक्टिस होती है उस चीज़ को करने की। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्किल सीखेंगे और कौन सी यानी कि जिसके एक्सपर्ट बनेंगे जो आपको इजी लगे।
तो आगे हम चलते हैं कि हम ये चीज़ें तो कर लेंगे, हमें आगे टूल्स कौन से ज़रूरत होते हैं, क्योंकि अगर हम ई कॉमर्स में तो आते हैं तो ई कॉमर्स के लिए हमें टूल्स की भी ज़रूरत पड़ती है कुछ, क्योंकि वो आईपीस के साथ कनेक्ट होते हैं अमेजोन की, जो हमें हेल्प करते हैं कि अमेजोन के प्रोडक्ट हंटिंग में भी हेल्प करते हैं, कीवर्ड रिसर्च में भी हेल्प करते हैं, और रैंकिंग और लॉन्चिंग में भी हेल्प करते हैं, हम प्रोडक्ट की लिस्टिंग भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो आगे जो हमारे पास टूल रिक्वायर्ड होते हैं, एक वर्चुअल असिस्टेंट को जो मंथली बेस पे भी मिल जाते हैं इजीली, जो पाकिस्तान में भी अवेलेबल हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं या टूल्स प्रोवाइडर हैं वो देते हैं। तो जो हमें टूल्स जरूरत होंगे वो हैं, यानी कि थ्री होते हैं जो मस्ट यूज़ होते हैं प्राइवेट लेवल में, क्योंकि हम आगे सर्वे जो जो हम लेकर जाएंगे कोर्स को वो प्राइवेट लेवल होगा, लेकिन टॉप फाइव होते हैं जो कि यूज़ होते हैं तमाम, यानी कि मॉडल के लिए, अमेजोन के लिए। तो पहला होता है जंगल स्काउट होता है, जंगल स्काउट ये प्रोडक्ट रिसर्च में भी यूज़ होता है, कीवर्ड रिसर्च में भी यूज़ होता है, हीलियम 10 ये ज़्यादातर जो होता है प्रोडक्ट रिसर्च में यूज़ होता है, और इससे कीवर्ड रिसर्च भी होती है, पीपीसी मैनेजमेंट भी होती है, और तमाम चीज़ें हीलियम 10 से ही हो सकती है। वायरल लॉन्च होता है, ये ट्रेंड को बताता है कि ट्रेंड किस तरह है प्रोडक्ट का, किस तरह ये यानी कि पिछले 5 ईयर का भी ट्रेंड बता देता है, तमाम चीज़ें की सेल्स डेलीज की कितनी आ रही है, मंथली की कितनी सेल्स आ रही है, ये ट्रेंड बताता है एक प्रोडक्ट को जब हम रिसर्च करने में जाएंगे तो ये टूल्स भी चूज करेंगे। मर्चेंट वर्ड होता है, ये कीवर्ड रिसर्च के लिए यूज होता है कि हम कीवर्ड कैसे, एक कीवर्ड से डिफरेंट कीवर्ड कैसे निकाल सकते हैं, लॉन्ग टेल हो या शॉर्ट टेल शॉर्ट हो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। कीपर होता है, कीपर यूज होता है ज़्यादातर ड्रॉप शिपिंग और होलसेल के लिए कीपर यूज़ किया जाता है, लेकिन वो हमसे हमारे कोर्स से अलग है, वो अलग से हम वीडियोज बनाएंगे उसके मुताबिक हम इसको यूज़ करेंगे। बाकी हम जो टॉप के यूज़ करेंगे वो होंगे जंगल स्काउट, हीलियम 10 एंड वायरल लॉन्च, ये तीनों यूज़ करेंगे हम अपने यानी कि अगले आने वाले वीडियोस में, जब हम प्रोडक्ट रिसर्च में आएंगे तब यूज़ करेंगे ये तीनों यानी कि टूल्स। जब भी आप ये क्वेश्चन है तो हम कैसे बीए में यानी कि बन सकते हैं पाकिस्तान में, अगर आप बीए बनना चाहते हैं तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा वो जो जो लोग यानी कि ऑलरेडी ई कॉमर्स कर रहे हैं, यानी कि ज़्यादातर एक्सपर्ट हैं ई कॉमर्स के, यानी कि जो कंपनीज या कोई ऑनर जो है कर रहे हैं ई कॉमर्स के, तो आपको मैं थ्री रिकमेंड करूंगा। एक इनेबलर्स हैं जो इनेबलर्स कर रहे हैं, यानी सर साके बाजार और एक्सट्रीम ई कॉमर्स, ये दो टॉप की हैं, और थर्ड जो है ई कॉम आउटसाइड, इससे भी आप कर सकते हैं। तीनों का मकसद एक है, तीनों विचुअल असिस्टेंट के भी कोर्स करवा रहे हैं और सेलर्स को भी यानी कि अपने बता रहे हैं इसे ई कॉमर्स के बारे में, अमेजोन के बिजनेस के बारे में, ये तमाम ई कॉमर्स के ही हैं, यानी कि ये तमाम ई कॉमर्स के हवाले से लोगों को सिखा रहे हैं स्किल्स, डिफरेंट स्किल्स सिखा रहे हैं, लाइक वर्चुअल असिस्टेंट की स्किल भी हैं, इनके पेड भी कोर्सेज हैं और फ्री वाले भी कोर्सेज हैं। अगर आपको लिंक की ज़रूरत हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लिंक से जाके इनको विजिट कर सकते हैं और ज़्यादातर मालूमात इनकी हासिल कर सकते हैं, इनकी फ़ी वाले भी बता दूंगा, आप फ्री कैसे इनरोल कर सकते हैं इनके यानी कि अगले प्रोजेक्ट्स में, और जो पेड हैं वो कैसे कर सकते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो जब आप वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स कर रहे होते हैं तो आपका यानी कि होता है एग्जाम में सवाल आता है कि एक वर्चुअल असिस्टेंट कितना मंथली यानी कि इनकम जनरेट कर सकता है एक वर्चुअल असिस्टेंट, तो वो आपको मैं बताता चलूँ कि एक वर्चुअल असिस्टेंट जो होता है उसकी सैलरी रेंज होता है जो वो यानी कि उस जॉब पर डिपेंड करता है और उसकी स्किल्स और एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है एक बीए के, लेकिन जो एवरेज होता है न्यू बी होता है बीए यानी कि एक कोर्स करके निकला है और प्रैक्टिस की है, उसने प्रैक्टिस करने के बाद वो निकला है और फर्स्टली वो जॉब लेकर यानी कि मंथली बेस पर वो 1000 तक अर्न कर सकता है, इससे भी ज़्यादा अगर उसके पास यानी कि ग्रैब क्लाइंट को ग्रैब करने की भी स्किल्स हो और यानी कि उसके के लिए काम करने की क्वालिटी वर्क देने की, वो न्यू भी अमेजोन भी हो वो 1000 डॉलर प्लस अर्न कर सकता है, और मिड लेवल का जो ईयर अंदर यानी कि होता है वो 1000 से 3000 डॉलर पर मंथ अर्न कर सकता है एक वीए जो मिड लेवल का होता है, और जो एक्सपर्ट्स होते हैं जो एजेंसीज ऑन कर रहे होते हैं यानी कि प्रोटेक्शन अर्निंग होते हैं, तो क्लाइंट्स भी पोटेंशियल वाले उनके पास आते हैं, तो वो यानी कि 3 to 5 अगर क्लाइंट को डील करते हैं तो 5000 पर मंथ यानी कि 5000 डॉलर पर मंथ अर्न कर सकते हैं, जो कि बनते हैं 10 से 15 लाख पर मंथ बनते हैं, ये पाकिस्तानी बनते हैं। और बोनस ये चीज़ होती है कि डो नॉट फॉरगेट कन्वर्जन रेट ऑफ अमेरिकन डॉलर टू पीकेआर, मतलब कि आजकल जो रेट चल रहा है डॉलर का वो हमारे यानी कि बनते हैं वहाँ के 1 डॉलर USA का, और हमारे डॉलर बनते हैं यानी कि पैसे बनते हैं वो है 175 प्लस या
इतने तक चल रहे हैं, यानी 170 180 के बीच में चल रहे हैं डॉलर का रेट। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर आप 1,000 तक अर्न करते हैं तो आपकी यानी कि इनकम का लेवल कितना हो जाएगा, 1,60,000 70,000 इतने तक हो सकता है अगर आप वीर का कोर्स कर लेते हैं और उसकी स्किल सीख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा आपका वीर के बारे से, यानी कि आपके माइंड में चल रहा होगा कि एक वीर बनने के लिए आपको कितना अर्सा दरकार होता है। तो वो डिपेंड करता है आपकी एबिलिटीज पर और टाइम पीरियड पर, कि उस टाइम पीरियड की बता में अगर आप वीर का कोर्स कर लेते हैं 1 मंथ में, कहीं से भी कर लेते हैं पाकिस्तान में से कहीं से भी कर लेते हैं, तो आपको डिपेंड करता है वो आपकी एबिलिटीज और आपकी यानी कि माइंड सेट पर डिपेंड करता है। अगर आप एक स्किल को लेकर जाना चाहते हैं तो एक स्किल को लेकर जाएं, अगर फुल कोर्स करना चाहते हैं तो वो 1 मंथ से लेकर 6 मंथ तक एवरेज होती है, रेंज होती है एक वीक की, जो वो यानी कि उसमें सीख सकता है, एक वीक बन सकता है अच्छा, यानी कि स्टार्ट ले सकता है ई कॉमर्स में या फ्रीलांसिंग में। तो चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप वीडियो यानी कि आपको कोई भी क्यूरीज वगैरह आई है, जो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको चीज़ें सिखाई है, कोई भी अगर आपके कोई क्वेश्चन माइंड में आता है तो प्लीज़ कमेंट कर दिए करें, ताकि आपको यानी कि उसका रिस्पॉन्स मिल जाए और आपकी क्यूरीज हल की जाए। ठीक है, अगर वीडियोज़ में कोई भी आपको यानी कि अपग्रेडेशन की ज़रूरत हो तो वो भी बता दें, ताकि अगले आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनमें आपको यानी कि चेंजेस मिले। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ थंबनेल पर यानी कि क्लिक कर दें, और अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो प्लीज़ अगेन मैं आपको यानी कि रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली हर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले यानी वीडियोस के साथ, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।